हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको गिव अवे के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट संडे कहा था, मैं आप लोगों के लिए एक गिव अवे लेके आई हूँ। सो आज मैं उसका विनर बताऊंगी। उस गिव अवे में कौन विनर हुआ है और उसने क्या प्राइज जीता है, वो मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में, लास्ट में बताऊंगी। आप लोग वीडियो को देखिए। और हाँ, आज भी एक गिव अवे है। इस गिव अवे का जो विनर, वो नेक्स्ट संडे को बताया जाएगा। तो आइए अपने टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ फेस वॉश करने की सही तरीका। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चार टॉपिक के बारे में कवर करूंगी। पहला है, आप लोगों को कैसे फेस वॉश करनी है, फेस वॉश करने का कुछ टिप्स बताऊंगी। देन उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी हमारी चेहरे पर साबुन जो सोप अच्छा है या फिर फेस वॉश, दोनों में से आपको क्या चूज करना चाहिए। एंड अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप लोगों को कौन से फेस वॉश चूज करनी चाहिए, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। सो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप लोग क्या गलती कर रहे हैं और आपको कौन से फेस वॉश अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपको चूज करनी चाहिए। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आए दिन हमारी चेहरे को ना बहुत से सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारा चेहरा हमारी बॉडी का ऐसे एक पार्ट है जो हमेशा खुले में रहता है और डायरेक्ट एनवायरनमेंट की कांटेक्ट में आता है। और एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारा एनवायरनमेंट कितना पॉल्यूटेड हो गया है, आप सबको तो पता ही होगा। हमारी एनवायरनमेंट की पॉल्यूशन, हमारी चेहरे से निकलते जो एक्स्ट्रा ऑयल, एंड इसके साथ हमारी चेहरे की डेड सेल्स, एंड इसके साथ हमारी जो मेकअप की कुछ, जो पुराने मेकअप करते हैं कुछ लेयर जो बैठ जाते हैं, ये सभी मिलकर हमारी चेहरे पर ना एक लेयर क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि हमारी फेस वॉश एक अहम रोल निभाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम जानते हैं जो फेस वॉश हम यूज करते हैं वो हमारे स्किन के लिए कितना सुटेबल है, ये हम नहीं जानते हैं। सो दोस्तों, यही सब आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये सब शुरू करने से पहले हम पहले बात कर लेते हैं हमारी चेहरे के लिए कौन सा साबुन बेहतर है या फिर फेस वॉश, ये पहले हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर फेस वॉश की बात करें तो फेस वॉश एक बेहतरीन विकल्प है हमारी चेहरे को साफ करने के लिए, क्योंकि फेस वॉश को हमारी स्किन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। किसी का सेंसिटिव स्किन है, किसी का ऑयली स्किन है, किसी का ड्राई स्किन है, तो इसी हिसाब से फेस वॉश को बनाया जाता है, जबकि साबुन को ऐसे बनाया नहीं जाता है। ये एक रीजन है फेस वॉश हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेटर है। एंड दूसरा रीजन ये है कि जब आप फेस वॉश से फेस क्लीन करते हैं तो ये आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन करता है, डीपली क्लीन करता है। आपके चेहरे से जो एक्स्ट्रा ऑयल है या फिर पॉल्यूशन से या फिर जो मतलब चेहरे जो भी गंदगी है वो डीपली क्लीन करता है, जो कि साबुन यानी कि सोप ये नहीं कर पाता है। इसके साथ अगर आप साबुन यूज करते हैं तो आपकी जो पीएच बैलेंस को वो मेंटेन नहीं करता है, जबकि फेस वॉश आपकी पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, आपकी स्किन को ज्यादा ड्राई नहीं होने देता और आपकी स्किन को अच्छे से शार्प भी करता है, जो कि साबुन में कुछ हार्श केमिकल होते हैं जो कि हमारी स्किन को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, स्किन को ड्राई बना सकते हैं, स्किन को रूखी जो मतलब फ्लेकी स्किन इस टाइप का बना देते हैं, जबकि फेस वॉश इन सभी को नजर में रखते हुए हमारी स्किन को साफ करता है। और जिनका ऑयली स्किन है उसी हिसाब से फेस वॉश को बनाया जाता है, जिनका ड्राई स्किन है उसी हिसाब से फेस वॉश को बनाया जाता है और उसी हिसाब से ही वो स्किन को साफ करता है। यही बात है कि आप ज्यादातर फेस वॉश यूज करना चाहिए, ज्यादातर नहीं, आपको फेस वॉश ही यूज करना चाहिए। अपने फेस पर साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, साबुन हमारे स्किन के लिए हार्श होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमें कौन सी फेस वॉश चूज करनी चाहिए। दोस्तों, फेस वॉश तो आप लोगों को अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही चूज करनी चाहिए। सबका स्किन तो एक जैसा नहीं होता है, किसका होता है सेंसिटिव स्किन, किसका होता है ड्राई स्किन, किसका होता है ऑयली स्किन, तो ऐसे ही आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपको फेस वॉश चूज करनी चाहिए। इसके अलावा आपको और
और किसी चीजों की भी ध्यान रखनी है, जैसे कि क्या आप दिन भर घर में रहते हैं या फिर आप वर्किंग वुमन हैं या फिर आप दिन भर भाग दौड़ में आपकी लाइफ जो है वो कटती है, या फिर आप कौन से एनवायरमेंट में रहते हो, वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। एनवायरमेंट जैसे कि आप पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो या फिर नॉन पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो, उन्हीं सभी बातों का भी आप लोगों को ध्यान में रख के आपको फेस वॉश की चयन करनी होगी। तो हम बात करते हैं अभी हमें हमारी स्किन के अकॉर्डिंग हमें कौन सी फेस वॉश चूज करनी चाहिए। सो सेंसिटिव स्किन वालों को ये समझ लेना चाहिए कि साबुन उनके स्किन के लिए बना ही नहीं है, वे अपने स्किन के अकॉर्डिंग मेडिकेटेड माइल्ड सा फेस वॉश यूज कर सकते हैं, आप इस अपने स्किन के लिए चयन कर सकते हैं। और इसके साथ ये भी उनको समझना है कि अगर उनका सेंसिटिव स्किन है तो दिन में 2 से ज्यादा अपने फेस का वॉश ना करें, और जब भी वॉश करते हैं एक बार फेस वॉश से यूज करना है और दूसरा आपको कोई सा क्लींजर की क्लींजिंग मिल्क जो आता है उससे आपको फेस को वॉश करना है। अगर आपका सेंसिटिव स्किन है तो इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप सेंसिटिव स्किन के लिए कुछ फेस वॉश की सलाह चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों को सेंसिटिव स्किन की फेस वॉश की एक वीडियो बनाकर दूंगी। दोस्तों अब बात करते हैं ऑयली स्किन वालों के लिए। ऑयली स्किन वालों को ना आए दिन बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके चेहरे पर ज्यादा ही ऑयल प्रोड्यूस होता है जिसके वजह से उनको पिंपल्स होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। सो इसीलिए उनको ऐसे फेस वॉश चूज करना है जो कि ऑयल कंट्रोल करें, यानी कि हमारी जो चेहरे की जितना भी ऑयल प्रोड्यूस हो वो उसको अच्छे से निकाले, फिर भी उन चेहरे की जो नमी को बरकरार रखते हुए चेहरे से ऑयल को निकाले, ऐसा कुछ फेस वॉश उनको चूज करना होगा। दोस्तों ऑयली स्किन वालों के लिए मैंने फेस वॉश का लिस्ट यानी कि एक वीडियो बनाया है, वो आप लोग देख सकते हो, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग देखिए कौन कौन सा फेस वॉश ऑयली स्किन वालों के लिए है। सो इन्हीं सभी बातों को ऑयली स्किन वालों को ध्यान में रख के चूज करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं ड्राई स्किन वालों के लिए। दोस्तों ड्राई स्किन वालों को ऐसे एक फेस वॉश चूज करनी होगी जो माइल्ड सा हो, जो कि उनकी चेहरे से गंदगी को हटाए लेकिन चेहरे की जो नेचुरल यानी कि कुदरती नमी है उसको बरकरार रखते हुए चेहरे की गंदगी को हटाए, वैसा कुछ उनको फेस वॉश चूज करना होगा। और इसके साथ उन्हें ज्यादा अपनी फेस को वॉश नहीं करना चाहिए, अगर करना हो तो एक बार ही फेस वॉश का यूज करें, और जब भी वॉश करना हो फेस को तो सादा पानी यानी कि नॉर्मल वाटर से अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। सो ये हो गया अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप कैसे फेस वॉश चूज कर सकते हैं। और भी स्किन है जैसे कि ड्राई टू नॉर्मल, नॉर्मल स्किन, ड्राई टू नॉर्मल, नॉर्मल टू ऑयल, इस टाइप का बहुत सारे स्किन है। वो उस टाइप का स्किन ना क्या होता है, वेदर के अनुसार वो अपनी स्किन की ऑयलनेस ड्राईनेस ये सब चेंज होते रहते हैं। जैसे कि विंटर सीजन में स्किन थोड़ा ज्यादा ड्राई हो जाता है एंड समर सीजन में ऑयली हो जाता है, और रेनी सीजन में ना ऑयली रहता है और ना ड्राई रहता है, इसी टाइप का होता है जो नॉर्मल स्किन वाले। तो नॉर्मल स्किन वाले ऐसे या फिर कॉम्बिनेशन स्किन वाले ऐसे कुछ फेस वॉश का यूज करें जो कि ड्राई स्किन सॉरी विंटर टाइम में ड्राई यानी कि ड्राई स्किन वाला फेस वॉश यूज कर सकते हैं, और समर सीजन में ऑयली स्किन वाला फेस वॉश यूज कर सकते हैं। ऐसे उनको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ऐसे फेस वॉशेस चूज करना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं फेस वॉश करने का सही तरीका के बारे में। दोस्तों ऐसे ही हम फेस को वॉश कर देते हैं लेकिन आपको इसकी सही तरीका जानना भी बहुत जरूरी है। पहला तो आपको जब भी आप अपनी फेस वॉश करें तब आप गुनगुने पानी या फिर रूम टेम्परेचर वाटर का ही इस्तेमाल करें, गर्म पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। सेकेंड हो गया, जब भी आप फेस वॉश करें तो फेस को लाइटली मसाज करके फेस वॉश के साथ मसाज करें, ज्यादा रगड़े नहीं, ऐसे में आपका स्किन को डैमेज होने की चांसेस बढ़ जाती है। और फेस वॉश करने के बाद जब भी आप अपने चेहरे को ड्राई करने तो एक टॉवल लें, उसको लाइटली डब डब करके ड्राई करें, ऐसे रगड़े नहीं, ऐसे अगर आप रगड़ेंगे तो आपके स्किन पर रिंकल्स आने की ज्यादा
चांसेस बढ़ जाती है। एंड इसके साथ जब भी आप बाहर से आए तो तुरंत अपने फेस को फेस वॉश से क्लीन कर लें, ताकि बाहर की जो डस्ट या पॉल्यूशन है तो वो आपके चेहरे से निकल जाए और आपका त्वचा जो है साफ हो जाए। इसी बात का आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों इन सब के अलावा आपको फेस वॉश करते समय कुछ बात का ध्यान रखना होगा। जब भी आप फेस वॉश करें या फिर फेस वॉश खरीदें तभी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप परचेज कीजिए। जैसे कि अगर ड्राई स्किन हुआ तो आपको क्रीम बेस्ड फेस वॉश चूज करना होगा, अगर ऑयली स्किन है तो फोम बेस्ड फेस वॉश परचेज करना होगा। एंड इसके बाद आपको आप जब भी अपनी फेस को वॉश करें अपनी हाथ को अच्छे से साफ करें। साफ करने के बाद ही आप अपने फेस पर अपनी हाथ लें और अपनी हाथ से फेस को वॉश करें। और एक बात, आपको दिन में दो बार वॉश करना है फेस को, एक बार चाहे तो फेस वॉश से कीजिए या फिर सेकेंड टाइम आप सादे पानी से भी अपनी फेस को वॉश कर सकते हैं। दोस्तों आए दिन हमारी चेहरे को ना बहुत से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारा चेहरा हमारी बॉडी का ऐसा एक पार्ट है जो हमेशा खुले में रहता है और डायरेक्ट एनवायरनमेंट की कांटेक्ट में आता है। और एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारा एनवायरनमेंट कितना पॉल्यूटेड हो गया है आप सबको तो पता ही होगा। हमारी एनवायरनमेंट की पॉल्यूशन, हमारी चेहरे से निकलते जो एक्स्ट्रा ऑयल एंड इसके साथ हमारी चेहरे की डेड सेल्स एंड इसके साथ हमारी जो मेकअप की कुछ जो पुराने मेकअप करते हैं कुछ लेयर जो बैठ जाते हैं, ये सभी मिलकर हमारी चेहरे पर ना एक लेयर क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि हमारी फेस वॉश एक अहम रोल निभाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम जानते हैं जो फेस वॉश हम यूज करते हैं वो हमारे स्किन के लिए कितना सूटेबल है, ये हम नहीं जानते हैं। सो दोस्तों यही सब आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये सब शुरू करने से पहले हम पहले बात कर लेते हैं हमारी चेहरे के लिए कौन सा साबुन बेहतर है या फिर फेस वॉश, ये पहले हम जान लेते हैं। सो दोस्तों ये तो थे कुछ फेस वॉश के बारे में टिप्स, कैसे फेस वॉश चूज करनी है, कैसे फेस वॉश करनी है एंड कैसे मतलब फेस वॉश करने से पहले कौन कौन सी बात का ध्यान रखना है। दोस्तों अब चलते हैं हमारी गिव अवे की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट वीक के वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि मैंने गिव अवे लाई हूँ। सो इसका विनर है कार रेसिंग गेम। जी हाँ दोस्तों, बस वही एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे कमेंट किया है एंड उन्होंने मुझे डीएम भी किया था। सो उनको मैं एक गिफ्ट सेंड करूंगी, तो वो गिफ्ट होगा सेटाफिल का फेस वॉश। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने मुझे अपना एड्रेस भी सेंड की कर दिए हैं, तो उनको आज मैं एक जो सेटाफिल का फेस वॉश उनको सेंड करूंगी। सो आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक के लिए एक गिव अवे है, सेम वही रूल सेम है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है वीडियो को एंड आपको लाइक करना है एंड कमेंट भी करना है। एंड आपको अगर शेयर करने की जो वीडियो है वो आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम पर डीएम करना है या फिर आप मुझे टैग भी कर सकते हो। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। और हाँ, इसका जो गिव अवे का विनर का नेम मैं नेक्स्ट वीक अनाउंस करूंगी संडे इवनिंग 5 बजे। तो वीडियो को आप मेरी वीडियो को देखिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।